कि आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया और आपके द्वारा सारे दर्शकों को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जिसका उत्तर दो पहलू में है। पहला पहलू तो ये कि आपका चैनल एक विश्व रूपी प्रसिद्ध चैनल है। अगर 70 साल के भारत के इतिहास, लोकतांत्रिक इतिहास को आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी एक ऐसी सरकार स्थापित हो और वो भी 15 साल विपक्ष में रहने के बाद, जहां सरकार में आने के बाद 22 विधायक उस सरकार के नेतृत्व कमलनाथ जी में विश्वास पूरी तरह खोकर, निराश होकर जनता की अदालत में दोबारा कूदना चाहें। मैं तो यह पूछना चाहता हूं आपसे, कोई सरपंच या पंच या जिला पंचायत का सदस्य क्या 15 महीनों के अंदर अपना सरपंची या जिला पंचायती त्याग कर देता है? इनमें कितनी निराशा हुई होगी, इनमें कितना घोर अपमान हुआ होगा। और इन 22 में मैं आपको यह भी बता दूं कि 22 केवल विधायक नहीं, 22 में से 6 कैबिनेट मंत्री। तो क्या सरकार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी चला रहे थे कि 22 एमएलए जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री निराश होकर, परेशान होकर, अपमानित अपने आप को समझ के विकास और प्रगति का काम न कर पाए जनता की, कि जनता की अदालत में दोबारा कूदने के लिए तैयार हो गए? नंबर एक। और ये सिलसिला यहां खत्म नहीं होता, 3 महीने बाद 3 और विधायक नेपानगर, मानधाता और बड़ा महल, इन्होंने भी अपनी विधायकी त्याग की। और उसके बाद दशहरा के दिन पे राहुल लोधी, बुंदेलखंड का एक और नौजवान विधायक, उसने भी अपनी विधायकी त्याग की। तो कौन सा सरकार ऐसा है भारत में जिसमें 15 महीने 15 साल बाद आने के बाद 26 विधायक 114 में से बारंबार सीरीज में उस सरकार, उसके नेतृत्व से परेशान होकर, प्रताड़ित होकर, जनता की आशा अभिलाषाओं पर पूर्ण रूप से खड़े ना उतर पाए कि वो सरकार को छोड़ के जनता के मैदान पे दोबारा चले जाएं? 26 114 में से मतलब करीब करीब 26-27% संख्या किसी राजनीतिक दल की। और इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, इस सरकार को लाने में थोड़ा सा, मैंने नहीं कहता कि ज्यादा सा, थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा है, एक एक कार्यकर्ता का रहा है। पर क्या हुआ सरकार बनने के बाद? सरकार बनने के बाद 15 महीने में इन्होंने एक भ्रष्टाचार का सरकार बनाया, एक ऐसा सरकार बनाया जहां केवल नोटों के आधार पर काम होता था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया। और ये आप मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि आप तो दलगत राजनीति से प्रभावित होकर कह रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की आम जनता से पूछिए, ट्रांसफर, पोस्टिंग, शराब, रेत उत्खनन, हर चीज का धंधा। और उसके अतिरिक्त जो हमने एक वचन पत्र में लिखा था, जो हमने कहा था कि ये वचन पत्र नहीं है, ये तो हमारा धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ पर पूरी तरह से काली पोती। कहा था किसान का ऋण 10 दिन में माफ होगा, कहा था कि महिलाओं को लाडली लक्ष्मी में 51,000 दिया जाएगा, कहा था कि नौजवान को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा हर माह। एक भी जो उस जनादेश के विश्वास के आधार पर जो एक मंत्र बना था उस पर एक भी क्रियान्वयन नहीं किया गया, उल्टा तो मैं कहूंगा कि उस पर काली पोत गई। और जब इन मुद्दों को उठा उठाकर, और मैं ये केवल मैंने नहीं उठाया, उस सरकार के एक कैबिनेट मंत्री, बहुत सीनियर कैबिनेट मंत्री जो इन 26 में शामिल नहीं है, आज भी कांग्रेस में, उन्होंने जाके आपके टीवी चैनल पे भी कहा था कि हमें माफ करिए मध्य प्रदेश की जनता, हम अवैध रेत उत्खनन मध्य प्रदेश में नहीं रोक पाए। दूसरा कैबिनेट मंत्री ये गोविंद सिंह जी, दूसरे कैबिनेट मंत्री जो आज भी कांग्रेस में, उमंग सिंगार,
उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा को चिट्ठी लिखी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग लगा रहे हैं, शराब माफिया को प्रोत्साहन दे रहे हैं, अवैध उत्खनन हो रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा। और ये आप किसी सरकार के दो कद्दावर कैबिनेट मंत्री द्वारा, एक उस पार्टी के अध्यक्ष को चिट्ठी जाती है, एक सरेआम जनता से माफी मांगते हैं, तो सरकार किस लिए बनाई? पर सरकार गिराने का ठीक है ना, तो आपकी महत्वाकांक्षा के सर फोड़ा गया है कांग्रेस द्वारा। उन्होंने कहा बहुत महत्वाकांक्षी हो गए, जरूर जरूर ये इल्जाम लगा रहे हैं, और उनका काम ही इल्जाम लगाना। अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का निर्णय लिया गया और कमलनाथ जी को बनाया गया तो मैं उस समय झगड़ा करता? क्या मैंने झगड़ा की? एक सेकंड में उस फैसले का समर्थन मैंने किया और जी जान मैंने चुनाव में लगाया। उसके बाद मुख्यमंत्री का निर्णय हुआ, उसमें भी हाईकमांड ने निर्णय लिया कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना है, और आप लोगों की चैनल ने भी उसको कवर किया। एक मिनट के अंदर मैंने कहा मैं पूर्ण समर्थन देता हूं, और मैं इमीडिएटली भोपाल गया और मैंने उनके समर्थन में भाषण दिया। और आज भी अगर ये 22 विधायक जो निराश अपमानित और उनका विकास प्रगति का काम न हो पाया, अगर वो छोड़कर बीजेपी में आए, कि हमारी सोच विचारधारा एक थी, हमारी प्लेटफॉर्म अलग थी, हमारी सोच विचारधारा थी विकास की, प्रगति की, जनसेवा की और जनता के प्रति एक संवेदनशीलता की भावना की, पर रास्ते अलग थे। आज हम एक हो गए और साथ में मिलकर पिछले 6 महीनों में हमने उनके नेतृत्व में एक एजेंडा बनाया है मध्य प्रदेश के लिए। कई योजनाएं की शुरुआत हमने की हैं, चाहे उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, जहां 4,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ा गया है, 10,000 रुपये हर किसान के खाते में। फसल बीमा योजना जो कमलनाथ जी ने अपने तिजोरी में बंद कर दिया था, 7,500 करोड़ किसानों के खाते में हमने पहुंचाया है। चाहे कन्यादान लाडली लक्ष्मी योजना को दोबारा शुरुआत करना, चाहे संबल योजना को दोबारा शुरुआत करना, ऐसे कई कदम मध्य प्रदेश सरकार ने उठाए। लेकिन उसी के साथ साथ इन सारी विधानसभाओं में जो ये सारी विधानसभाएं विकास और प्रगति के रास्ते से वंचित रह गई थी कमलनाथ जी की सरकार में, एक एक विधायक जाता था काम मांगने के लिए, सड़क का, नहर का, सिंचाई की परियोजना का, तो केवल ये कहा जाता था पैसा नहीं है। तो आज शिवराज सिंह जी की सरकार में इन 28 विधानसभाओं में 200 से 300 करोड़ से 2000 करोड़ तक एक एक विधानसभा के लिए राशि, पैसा कहां से आई? जो कमलनाथ जी कहते थे पैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पैसा सारे ब्लॉक करके रख दिया था प्रदेश के तिजोरी में, और शिवराज सिंह जी ने खोल के जनता के लिए दे दिया। तो मेरी शिवराज सिंह जी के साथ एक बहुत अच्छा तालमेल, और उनके साथ मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य स्वतः का नहीं है, उद्देश्य है जनता का, विकास का, प्रगति का, और जनता के प्रति एक संवेदनशीलता की भावना का। प्रॉब्लम इधर इसलिए हो गया क्योंकि उद्देश्य मेरा वही था, लेकिन कमलनाथ जी का उद्देश्य स्वतः का था।